जिन 12 सांसदों को राज्यसभा के सत्र के लिए निलंबित किया गया उन्हीं में से एक है रिपुन बोरा। रिपुन बोरा हमारे साथ में है। रिपुन जी, कार्रवाई इस वजह से हुई है क्योंकि मानसून सत्र के दौरान आप लोगों के ऊपर आरोप है कि संसद की मर्यादा गिराने का काम किया था। देखिए, ये जो डिसीजन आज लिया है ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है, ये डिक्टेटोरियल डिसीजन है। हम लोग जो सांसद है हम लोग को सुनने के लिए कोई मौका नहीं दिया, हम लोग को बोलने के लिए कोई मौका नहीं दिया, ऑपोजिशन के साथ कोई डिस्कस नहीं किया। रूलिंग पार्टी ने अपना मनमर्जी से ये डिसीजन लिया है, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरा बात देखिए, हम लोग सांसद है, लोगों का आवाज़ अगर हम लोग पार्लियामेंट में नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। हम किसका मुद्दा उठाया था? किसान का मुद्दा उठाया था 3 काला कानून वापस लाने के लिए। आज प्राइम मिनिस्टर खुद उसको वापस लिया, देश को माफी मांगा प्राइम मिनिस्टर ने, जो वो वही तो हम लोग अपोज किया। लेकिन कहा जा रहा है कि उसका एक तरीका होता है, लेकिन अगर आप संसद की गरिमा को गिरा करके मार्शल के ऊपर हमला करके चेयर के ऊपर चढ़ के अगर इस तरीके से करेंगे तो एक सख्त संदेश जाना जरूरी है। ये गलत है। देखिए, हम लोग जो संसद, हम लोग जो प्रतिबद्ध किया है, लेकिन हम लोग को पिटाई किया है। ये गवर्नमेंट ने बाहर से लोग लेके कोई सिक्योरिटी मार्शल का नाम से कोई प्लेन क्लॉथ से सिक्योरिटी भरा के हम लोग को पिटाई किया है। तो लेडीज हमारा, हम लोग को लेडीज एमपी है उनका ऊपर हाथ उठाया है, तो ये क्या है? इसका कौन सुनेगा? इसका जस्टिस किससे मिलेगा? यानी अब अगला कदम क्या होगा फिर आप लोगों का? हम लोग का अगला कदम देखेगा हमारा, हम तो अकेला नहीं है, ये तो अपोजिशन पार्टी का, सारा देश का अपोजिशन पार्टी का बात है, ये सारा देश का किसान का मामला है। ये जो अपोजिशन पार्टी लोग जो ट्राई करेगा वही हम लोग का डिसीजन है। यानी साफ तौर पर रिपुन बोरा का कहना है कि संसद में उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर, और आज उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसका मकसद साफ है कि उनके आवाज़ दबाने की, विपक्ष के आवाज़ दबाने की कोशिश है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।